हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल क्रिएटिव पूजा। क्रिएटिव पूजा में मैं पूजा फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे इस तरह की बेडशीट, ये देखिए, और इस तरह के कुशन कवर। और ये बहुत ही सस्ते में मैंने बनाए हैं, बताती हूँ कैसे। ये देखिए, मैं लेकर के आई थी ये पीसेस, जो थान इसे कपड़ा ले बेचते हैं ना शॉपकीपर, उस शॉप से मुझे ये कपड़ा मिला था। जो थान से एक्स्ट्रा कपड़ा, बाद में जो कपड़ा बच जाता है उसको वह ऐसे ही सस्ते में बेच देते हैं। ये मेरे ख्याल से 80 या 100 रुपये मीटर वैसे मिलता है, लेकिन मुझे ये 50 रुपये मीटर के हिसाब से दो दो मीटर के पीसेस मिले हैं। तो इस और मुझे ये कुछ अच्छे लगे, मुझे लगा था कि मैं इसको यूटिलाइज कर पाऊँगी अच्छे से और कुछ अच्छा बना पाऊँगी, तो मैं इसलिए ये ले आई थी। ये सभी जो पीसेज हैं अप्रॉक्स दो दो मीटर के हैं, और ये मेरे पास तीन तो ये प्रिंटेड पीसेस हैं और दो ये प्लेन पीसेस मुझे मिले थे, तो मैंने इन्हें ख़रीदा था वो भी सिर्फ 50 रुपये मीटर में। तो 50 रुपये मीटर में अप्रॉक्स ये मेरे को 450 में मिल गए थे ये सभी पीसेस। तो इनसे मैं बनाऊंगी बहुत ही सुंदर सी बेडशीट, खुद डिज़ाइन करूंगी मैं इस बेडशीट को। और हाँ, खुद से डिज़ाइन की हुई चीज़ की तो कुछ बात ही निराली होती है, और जो खुशी मिलती है बनाने में वो खुशी और कहीं नहीं मिलती है। तो मैं तो बनाने में बहुत ही खुशी महसूस करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर चैनल पर नए हैं तो। और पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये देखिए, इस तरह से ये कपड़े को मैंने बिछाया है बेडशीट पर। ये देखिए, बीच में ये देखिए, मैंने पिलो पे परमानेंट ये कवर चढ़ाया हुआ है। इसमें साइड में देखिए पट्टी है एक्स्ट्रा, तो उसको भी मैं साथ में ले रही हूँ। अगर आपके पिलो में इस तरह की पट्टी नहीं है तो आप जो है 2 इंच फालतू मार्जिन लेकर के चलना, लेकिन मैंने ये पट्टी ली है इसलिए मैं 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर के चलूंगी। ध्यान रखिए कि अगर आपके पिलो में इस तरह की पट्टी नहीं है
तो आप पट्टी के लिए 1 इंच यानी कि 2 इंच मार्जिन, दोनों तरफ से 1 इंच जाएगा, तो 2 इंच का मार्जिन हमें साथ में लेकर के चलना है और फिर हमें कटिंग करनी है। लेकिन मैंने 1 इंच लिया है क्योंकि मैंने पट्टी का मेजरमेंट ऑलरेडी ले चुकी हूँ। तो 16x27 के मेरे पिलो थे पहले जो मैंने मेजरमेंट लिया है, उसमें मैं 1 इंच एक्स्ट्रा दोनों साइड से लूँगी और उस तरफ से मार्किंग करके इनकी कटिंग कर दूँगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ हमने कैसे बनानी है और पूरा प्रोसेस टिप्स मैं आपको देती जाऊंगी साथ में। देखिए इस तरह से हमने मार्किंग कर लेनी है और उसके बाद में हमने इसको कटिंग कर लेना है। ये स्केल से मैं लाइन खींच लूँगी जहाँ पर मैंने मार्किंग की है ताकि कटिंग करने में ईजी रहे। देखिए अगर आप मेजरमेंट ऐसे नहीं करते तो डायरेक्ट पिलो पर रख करके 2 इंच से मतलब चारों साइड से 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर के डायरेक्ट कटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने मेजरमेंट लेके कटिंग करना ज़्यादा अच्छा रहता है, तो मेजरमेंट करके मैंने कटिंग की है। अगर आप नए हैं, बिगनर हैं, अभी आपको सिलाई ज़्यादा अच्छे से नहीं आती है, तो आप डायरेक्ट पिलो रख करके आईडीए से 2 इंच फालतू लेकर के चारों तरफ से उसकी तरफ से कटिंग कर सकते हैं। लेकिन मैंने मेजरमेंट लिया है तो मैं अपने मेजरमेंट के हिसाब से कट कर रही हूँ। आई होप आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा भी पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये देखिए मैंने बीच में से इसको कट कर लिया है। एक्चुअली मैं 2 पिलो बनाऊंगी तो ये 2 पिलो के लिए एक साइड कट कर चुकी हूँ मैं। अब देखिए हम 1 पिलो का ये फ्रंट साइड मैंने कट कर लिया है, अब मैं बैक साइड के लिए कटिंग करूँगी। 2 पिलो के लिए एक साथ कटिंग कर रही हूँ, इसलिए मैंने डबल तय रखी है। पहले भी मैंने डबल तय रखी थी फ्रंट साइड के लिए और 2 पिलोज़ की फ्रंट साइड कट कर ली है पहले हमने, अब हम बैक साइड कट करेंगे। ये देखिए इसमें क्या है, चौड़ाई तो हमने लेनी है 16 के अकॉर्डिंग ही, लेकिन जो लंबाई जो होगी ना 27 में प्लस कर देंगे 5 इंच एक्स्ट्रा हम लेकर के चलेंगे। वो अभी आपको बता दूंगी कि क्यों, क्योंकि हम इसमें इस तरह से कवर बनाएंगे तो हमें कोई बटन नहीं लगाना पड़ेगा, कोई इसमें तनी नहीं लगानी पड़ेगी, आराम से हमारा पिलो अच्छे से कवर हो जाएगा और बहुत ही अच्छा लुक उसमें आएगा, कहीं से खुलेगा नहीं और अच्छी तरह से कवर हो जाएगा हमारा पिलो। तो इस तरह से कवर बना करके आप देखिएगा ज़रूर, बहुत ही अच्छे कवर बनते हैं और बहुत ही ईजी मेथड है। सही है ना, ये मैं अलग से कपड़े लगा करके जोड़ूंगी। टाइल के कलर से ये कपड़ा मैच हो रहा है तो शायद आपको नहीं दिख रहा हो, लेकिन ध्यान से देखिए कपड़ा है। तो इस तरह से ये देखिए 15 इंचेस के अकॉर्डिंग मैं चौड़ाई ले लूँगी। मेथड वही होगा कि लंबाई चौड़ाई जिस हिसाब से लेनी है उसी हिसाब से लेनी है और 5 इंच एक्स्ट्रा ले करके हमने बैक साइड का कवर कट करना है। ये 3rd पिलो के लिए मैं ये पिलो कवर की कटिंग कर रही हूँ। स्केल से सीधी लाइन खींच लेते हैं तो कटिंग करने में इजी होती है, सुविधा होती है।
इसमें मैंने 1 इंच कम लिया है क्योंकि पट्टी हम अलग से जोड़ेंगे, इसलिए मैं इसकी कटिंग करना बता रही हूँ, अदरवाइज मेथड सेम ही है। अब ये देखिए फ्रंट साइड से हमने ये बिछा लिया है, इसके हम 5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और इसको कट कर लेंगे कपड़े को पहले की तरह जैसे हमने पहले वाले पिलो के ऊपर के लिए किया था। देखिए आधे से कम हमने इसको इस तरह से फोल्ड करना है और बीच में से कट लगा देना है। स्टिचिंग करते वक्त मैं आपको बता दूंगी कि कैसे कैसे स्टिचिंग करनी है, पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और वीडियो थोड़ी सी भी काम की आपको लगती है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब देखिए ये कुशन भी मेरे होममेड कुशन है, वेस्ट आउट ऑफ वेस्टेज से मैंने ये बनाए हैं, उसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं उसका लिंक दे दूंगी। देखो जबान भी लड़खड़ा रही है। अब मैं इसका कवर बनाऊंगी, ये 16x16 का कुशन कवर है तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर के हमने इसकी कटिंग कर लेनी है, यानी कि 17x17 का हमने कटिंग करनी है। 1 इंच ही हमें एक्स्ट्रा लेना है दोनों तरफ से, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी, और स्क्वायर का पीस कट होगा क्योंकि ये कुशन है तो इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। इसकी भी कटिंग करना मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से हमने कटिंग करनी है। तो ये देखिए एक पीस पूरा स्क्वायर का कटेगा फ्रंट साइड के लिए सेम पिलो कवर की तरह, और जो दूसरा पीस होगा उसमें भी हम क्या करेंगे पिलो कवर की तरह ही 5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ लंबाई से हम क्या करेंगे 5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे और सेम पिलो कवर की तरह 5 इंच एक्स्ट्रा लेकर कट करेंगे। इस तरह के पिलो कवर बहुत इजी बन जाते हैं और लुक बहुत अच्छा आता है। तो आपको ये मुझे पक्का पता है कि मुझे ये आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, काम की है क्योंकि बहुत ज़्यादा, और एंड तक बने रहिए, आपको पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी और आपको ये तरीका बहुत ही पसंद आएगा क्योंकि बहुत ही इजी है, बहुत ही जल्दी बन जाता है और सबसे अच्छी बात है कि बहुत ही अच्छा लुक ये इससे पिलोज का आता है, और ना कोई बटन ना कोई चेन ना कोई तनी लगाने की इसमें ज़रूरत पड़ेगी। ये देखिए सेम पिलो कवर की तरह से हम इसको बीच आधे से थोड़ा ज़्यादा लेकर के हम इसको कट कर देंगे, जहाँ से ये कटिंग हो रही है ना इस तरफ से हमें फोल्ड करना होगा। सबसे पहले फोल्ड करने के बाद में हम ये जहाँ से हमने कटिंग की थी यहाँ से हम फोल्ड करेंगे और फिर हम इसको अटैच कर देंगे, तो ये फ्लिप टाइप में बन जाएगा, कोई बटन या कोई तनी या कोई चेन लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत ही अच्छा सा हमारा कवर बन के रेडी होता है। ये देखिए अब मैं बता देती हूँ पिलो कवर सिलने का तरीका। यहाँ से हमें क्या करना है कि दोनों साइड हमने फोल्ड कर लेनी है। ये देखिए ये वाली साइड हमने फोल्ड कर ली है और यहाँ से भी जहाँ से हमने कटिंग की थी ना यहाँ से हमने फोल्ड कर लेनी है और साइड से हमने चारों तरफ सिलाई लगा देनी है। चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद में हम पलट देंगे इस कवर को। कुशन कवर भी सेम इसी तरह से हमने स्टिचिंग करने होंगे और पिलो कवर भी सेम इसी तरह से स्टिचिंग करने होंगे। कटिंग करने का तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ, स्टिचिंग करते टाइम क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए ये इस तरह से सीजर्स की हेल्प से मैं कोने बाहर निकाल लूँगी, कोने अंदर नहीं रहने चाहिए नहीं तो लुक अच्छा नहीं आएगा। इस तरह से चारों कोने हमने निकाल लेने हैं पिलो के। अब इसको सीधा कर लेना है, इसको कर लेना हमने प्रेस। अगर आप ट्रेंड नहीं है तो आप इसको पहले प्रेस कर लीजिएगा इस तरह से किनारे बिठाने के लिए। हम क्या करेंगे एक ये स्केल लिया है, इसकी चौड़ाई लगभग 1 से 1 इंच की बराबर की है, तो 1 इंच की चौड़ाई के बराबर हम चारों तरफ में लाइनें खींच रहे हैं। देखिए इस जहाँ जहाँ हम लाइनें खींच रहे हैं चारों तरफ लाइनें हमें खींचनी हैं। तो चारों तरफ लाइनें खींचने के बाद हम करेंगे क्या कि जहाँ पर भी हमने लाइनें खींची हैं उसके ऊपर हमें एक स्टिचिंग कर देनी है। उससे क्या है कि पिलो का लुक अच्छा सा आएगा, साइड में एक लाइन या पट्टी जैसे बाहर निकली होगी तो उससे पिलो का लुक बहुत अच्छा आता है। और कोई फ्रिल कोई भी हमें इसमें झालर लगाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही हल्की सी झालर बाहर आ जाती है इसके ऊपर सिलाई लगाने से और लुक बहुत अच्छा आता है, सबसे इजी तरीका है। और कपड़ा कम होता है तभी भी हमारे पिलो कवर इसमें आराम से बन सकता है क्योंकि फ्रिल के लिए हमें कपड़ा लंबी पट्टी चाहिए और ज़्यादा लंबी पट्टी चाहिए होती है तब हमारी फ्रिल बनती है। अगर हमारे पास फ्रिल के लिए कपड़ा नहीं है तो हम ऐसे पिलो बना सकते हैं। ये देखिए लुक कितना अच्छा आया है। अब हमने करना है कुशन को डिज़ाइन। तो ये कुशन के लिए फ्रंट जो पीस में हमने काटा था ये बैक वाले दो पीसेस थे ना, इस तरह से
इन पीसेस को हमें अलग रखना है। और ये जो फ्रंट वाला पीस है इसके ऊपर हमने ये एक जो प्रिंटेड कपड़ा है उसकी पट्टी ली है, साइड से हमने निकाल ली है। ये देखिए पट्टी इस तरह से हम यहाँ पर फोल्ड करके, यहाँ से किनारियाँ फोल्ड करके इसके ऊपर अटैच कर लेंगे। और फिर सेम जैसे हमने पिल्लो कवर सिला था उसी तरीके से हम इसको भी सिल देंगे। ये देखिए हमारे कुशन कवर बन के रेडी है। ये देखिए फ्लिप इस तरह से बन जाएगा, कोई बटन या कोई तनी या कोई चेन लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सुंदर कुशन कवर बनते हैं। देखिए साइड में एक पैर की सिलाई हमने इसमें लगा लेनी है, सिंगल फुट की सिलाई जैसे बोलते हैं, वो हमने लगा करके कुशन रेडी कर दिए हैं। तीन कुशन मेरे बन के इसमें रेडी हुए हैं और बहुत ही सस्ते में मेरा ये बन के रेडी हुआ है बेडशीट का सेट, जिसमें तीन पिलो मेरे बनके रेडी हुए हैं, दो तीन ही तीन मेरा तो हैवी था ही, लेकिन पट्टी लगाने से ये और भी हैवी हो गई है बेडशीट। तो पंखा जब चलेगा, फैन जब चलेगा, तो ये उड़ेगी नहीं और लुक भी इससे बहुत अच्छा आ रहा है। तो इस तरह की पट्टी आपको भी लगा लेनी है। तो ये देखिए फाइनल लुक, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और थोड़ा सा भी पसंद आया है, थोड़ी सी भी टिप्स अगर आपको काम के लगे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बस अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो उनके लिए भी ये बहुत काम की है। बहुत ही चीप रेट में ये कपड़े मार्केट में लोकल